वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सपना, और जन्माष्टमी पर अपने बच्चे को कृष्णा बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में मैंने बताया है कि कृष्णा बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, आप डिफरेंट तरीके से अपने बच्चे को कृष्णा कैसे बना सकती हैं जो कि देखने में बहुत ही क्यूट और बहुत ही सुंदर लगने वाला है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिया आलता, और बच्चे जब सो रहे हों तभी आलता लगाइए, नहीं तो जगते टाइम बिल्कुल आलता नहीं लगवा सकते। पैरों को मैंने कलर कर दिया है। तो उसके बाद मैंने ये लिया है छोटे छोटे माला, इसको कट करके पाउजेब बना दिया। इसके पहले मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बैंगल पहनाया था, तब मेरा बेटा 1 साल का था। अभी मेरा बेटा 2 साल का हो गया तो बैंगल इसके पैरों में नहीं आ रही थी। तो अगर आपका बेटा छोटा है तो आप कोई बढ़िया वाला बैंगल भी पहना सकती हैं, वो भी बहुत ही अच्छा लगता है पाओ। उसके बाद मैंने यहाँ कुमकुम लिया है जो कि रेड कुमकुम है। सबसे पहले यहाँ साइड में, एक साइड होकर मेरा बेबी सो रहा था, मैं साइड में पहले कर दे रही हूँ, तो बीच में इस तरह से रेड करके साइड साइड में व्हाइट कुमकुम लगा दे रही हूँ। तो ये सब काम आप सोते टाइम ही करेंगे तभी कर पाएंगे। कोई भी बच्चा इतने इजीली नहीं लगवाता है, वो हाथ लगा देता है, वह इसको पोज देता है। तो आप सो रहे हो तो बच्चे को इस तरह आप रेडी कर सकते हैं। तो साइड में लग गया, एक तरफ सूखने दीजिए, देन दूसरी साइड अप्लाई करिए। देन मैंने ये माथे पर उसके तिलक लगा दिया है। इस पर मैं बनाने वाली अपने बेबी को ये रेडीमेड धोती जो की येलो कलर की धोती है, ये धोती कुर्ता इसका था एक, तो उसमें का ये मैंने धोती लिया है। इसको मैं थोड़ा सा डेकोरेट कर दूंगी ताकि और अच्छा लुक आए। तो ये मल्टी कलर का मिरर लेस लिया है और ग्लू गन की हेल्प से मैं इसे स्टिक कर रही हूँ। आप चाहे तो स्टिच भी कर सकती हैं थ्रेड से। देन मैं इसको इस तरह से ऐसे लगा दे रही हूँ। तो इसको लगाने के बाद धोती का लुक और अच्छा आएगा और बिल्कुल एकदम काना वाला लुक आएगा। तो आप इस तरह से धोती को डेकोरेट कर सकती हैं। आप चाहे तो कपड़े की भी धोती पहना सकती हैं। पिछले साल मैंने अपने बच्चे को कपड़े की धोती पहनाई थी, उसकी प्रॉपर मैंने वीडियो बनाई है, उसमें आप लोगों ने बहुत सारा भर भर के प्यार दिया, 1 मिलियन से ज्यादा व्यू है उस पर। तो थैंक यू सो मच उसके लिए। अगर आप उस तरह की धोती पहनाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके देख के उस तरह की भी धोती पहना सकते हैं, कपड़े से भी धोती पहना। अगर आपके पास रेडीमेड है तो आप इस तरह की रेडीमेड धोती पहना सकते हैं। पगड़ी जो कि मैंने खुद बनाया है, इसकी प्रॉपर वीडियो भी मेरे चैनल पर आपको मिलेगी सपना क्रिएशन पे, तो आप जरूर चेकआउट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्योंकि आपको मार्केट में ऐसे पगड़ी कहीं नहीं मिलने वाली। मैंने बहुत सर्च किया, देन मैंने खुद से इसको बनाया अपने बेबी को पहनाने के लिए। अब मैं अपने बेबी को सबसे पहले ये धोती पहना रही हूँ, डायपर पहना दिया, उसके बाद धोती पहना रही हूँ। मेरा बेबी 2 साल का है। इसके बाद एक रेड कपड़ा चाहिए आपको, इस तरह से आप कमर में बांध सकती हैं। तो ये रेड कपड़ा मैंने कमर में बांध दिया। आप जब भी अपने बेबी को रेडी करिए तो सामने टीवी चला दीजिए या कुछ ऐसी चीजें कर दीजिए ताकि वो थोड़ी देर तक खड़ा रहे। इसके बाद मैंने बेबी पाउडर लेके इसके बॉडी पे लगा दिया है। ये बाजूबंद मैंने खुद से बनाया था, इसको लेस से आप बना सकती हैं, बाजूबंद लगा दिया। देन ये मैंने बैंगल जो कि मार्केट से बाय किए थे, इस तरह से पहनाने में भी इजी होता है, इसको दोनों हाथों में बैंगल पहना दिया है। ये छोटे छोटे 2 ईयरिंग है जो कि मैंने मार्केट से बाय किया, इसको आप कान में लगा सकती हैं। अगर आपका बच्चा नहीं पहने तो आप बड़ी सी बिंदी जिस तरह मैंने साइड कुमकुम लगा, उस तरह की बिंदी भी आप चिपका सकती हैं कान में। इसके बाद हम माला पे चलते हैं। मेरे घर में जो भी ये बुके फ्लावर थे उसमें से मैंने कुछ फ्लावर्स निकाल लिए हैं, बाद में इसको लगा भी सकती हैं, आपके फ्लावर बेकार नहीं होंगे। देन आपको लेना धागा और सुई, उसकी हेल्प से आपको एक माला बना लेना है। तो फ्लावर वाला माला बहुत ईजिली बन जाता है, और रियल फ्लावर वाला माला भी बना सकती है, लेकिन बच्चे उसे बहुत ईजिली तोड़ सकते हैं खींच के। इसको आप बार बार खींचेंगे तो भी नहीं टूटेगा। मैंने पतंग वाले धागे के हेल्प से इसको पिरोया तो बहुत ही अच्छे से, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग माला बन गया है। दिन दूसरा वाला माला मैंने मार्केट से बाय किया, गजरे वाला। उसके बाद मैं टिक पे थोड़ा सा ब्लश अप्लाई कर रही हूँ, आप चाहें तो लिपस्टिक की हेल्प से ब्लश अप्लाई करते हैं, हल्का सा लिपस्टिक भी मैंने अप्लाई कर दिया है। लास्ट में फाइनली मैं पहना रही हूँ इसको, ये पगड़ी जो कि पहनने के बाद बिल्कुल अलग थलग लगने लगा है। तो आपके पास अगर पगड़ी नहीं, आप नहीं बना पा रही हैं, तो आप मुकुट भी लगा सकती हैं, तो और मोतियों के माला भी पहना सकती हैं। फ्लावर वाला माला ना पहनाना चाहे तो आप मोतियों की माला भी पहना सकती हैं। तो ये है फिनिश फाइनल लुक। मैंने अपने बेबी के सामने टीवी चला दिया है तो इसलिए थोड़ा सा ये टिका हुआ है, और साइड में मैंने इसकी बांसुरी रख दिया है। और सबसे बढ़िया तरीका बताऊँ कि बच्चे को टिका के कैसे रखना है, बैठा के कैसे रखना है, आपको एक मटकी सजा लेना है। मैंने यहाँ लेस थोड़ा सा लगा दिया है, ये गजरा लगा दिया है, तो आप अच्छे से भी डेकोरेट कर सकती हैं मटकी को। उसके बाद उसकी फेवरेट चीज उसमें रख दीजिए तो बच्चा बहुत आराम से बैठा रहेगा, फोटो वगैरह क्लिक कर सकती हैं, बहुत अच्छे से वो फोटो वगैरह क्लिक करवा ले रहा था, क्योंकि मैंने इसको इसमें भुजिया डाल के दे दिया है मटकी में, तो भुजिया इसको बहुत ज्यादा पसंद है, तो भुजिया के सहारे काफी देर तक बैठा रहा, तो मैंने बहुत सारी फोटो वगैरह क्लिक कर लिए। तो ये बहुत बढ़िया तरीका है आपको अपने बच्चे को टिका के रखने का। अगर आपके बच्चे को जो भी चीजें पसंद है आप उसमें डाल दीजिए मटके में, देन वो बहुत आराम से करवा लेगा। तो ये है मेरे बेबी का फिनिश फाइनल लुक। मेरा बेबी एज ए कृष्णा मुझे बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा था। आप बताना आपको मेरा बेबी कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इसके लिए एक लाइक जरूर करना। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो शेयर भी कर सकती हैं। तो मिलती है किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।